झारखंड में आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने का विचार हो रहा है। टीएसी की बैठक में इस पर चर्चा हुई, जहां इसका स्वागत हो रहा है, वहीं कुछ लोगों को इसे लेकर शंका भी है। आदिवासी बहुल राज्य होने की वजह से झारखंड प्रदेश पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में आता है। आदिवासियों के जमीन को संरक्षित करने के लिए सुरक्षा कवच में यहाँ पर CNT SPT एक्ट लागू है, लेकिन कानूनी प्रावधान में थाना क्षेत्र की बाध्यता होने की वजह से कोई आदिवासी एक जगह से दूसरे जगह नहीं बस सकता है। लिहाजा थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने की पहल राज्य सरकार कर रही है। 1950 में बने CNT अधिनियम को झारखंड प्रदेश में लागू करने पर बैठक की सहमति बनी है। देखिए, थाना क्षेत्र का निश्चित रूप से विस्तार होनी चाहिए, तब है इसके लिए भी बहुत गहन चिंतन मंथन के बाद विशेष कमेटी, जानकार लोगों का कमेटी का रिपोर्ट लिया जाना चाहिए। बहुत ऐसे जमीन के मामले में जानकार लोग हैं यहाँ पर। दुमका का आदिवासी रांची में घर नहीं बना सकता है, आपको सिमडेगा का आदिवासी रांची में घर नहीं बना सकता है, और रांची का आदमी टाटा में नहीं बना सकता है। तो इसलिए जो थाना क्षेत्र का जो मामला है उसको हटाया जा रहा है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन इस पर ज्यादा बैठक करके हम समझते इस पर अविलंब इसको कानून को लागू करना चाहिए। CNT एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने की मांग पिछले कई दशकों से की जा रही है, लिहाजा राज्य सरकार के इस पहल को स्वागत योग्य माना जा रहा है, लेकिन इसके लिए नियमावली बनाने की मांग भी हो रही है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म हो गई, क्या इसके लिए कुछ नियमावली या कोई कानून बने कि किस पर्पस से लोग खरीद रहे हैं, किस लिए उनका जमीन खरीदारी की जा रही है, क्या इससे आदिवासियों का हित होगा? एक थाना से दूसरे थाना के आदिवासी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन कितना प्रतिशत लोग, यह भी देखने वाली बात है। और दूसरी बात मैं इतना कहूं कि अगर मान ली किसी को घर बनाना है तो कितना खरीद सकता है, किसी को बिजनेस करना है तो कितना खरीद सकता है। जो अभी थाना का जो चेंज करने की जो बात चल रही है उसमें दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक शिक्षा है कि रांची में मुख्य शिक्षा है, आपको दुमका में है, आपको क्या कहते हैं जमशेदपुर में है, बोकारो में है, रोजगार का बात है, स्वास्थ्य का बात है। तो इसलिए ये जो प्रयास किया जा रहा है TSC के द्वारा, इससे आदिवासी को लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए थाना क्षेत्र का बाध्यता को खत्म करके पूरे राज्य जो है करना पड़ेगा, तभी आदिवासी को लाभ मिल पाएगा। राज्य में थाना क्षेत्र की बाध्यता होने के बावजूद आदिवासियों की जमीन लूट धड़ल्ले से जारी है, लिहाजा आदिवासी आज बुद्धिजीवियों और CNT SPT कानून के जानकार और विशेषज्ञों से भी राय लेकर ही सरकार को किसी नतीजे तक पहुंचने चाहिए, ताकि आदिवासियों की जमीन की लूट ना हो पाए। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।